आज मेरे पास आ गया है भारत पे की तरफ से एंड्रॉयड POS मशीन। इसका हम लोग जानने वाले हैं, आप लोगों को मंथली रेंट कितना लगने वाला है, इसमें चार्जेस क्या है, MDR चार्जेस क्या है, क्रेडिट कार्ड के लिए कितना चार्जेस लगने वाला है, डेबिट कार्ड के लिए कितना चार्जेस लगने वाला है, QR से पेमेंट एक्सेप्ट करते तो कितना चार्जेस लगने वाला है, और इस मशीन का क्या क्या फीचर्स है, और इससे कैसे आप लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, सारा चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग भारत पे स्वाइप मशीन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो हम लोग पास कुछ इस टाइप का भारत पे स्वाइप का बॉक्स आ गया है। इसको हम लोग जैसे ओपन करते हैं और सारा चीज को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग ओपन किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग पास भारत पे का स्वाइप मशीन आ जा रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम लोग पास एडेप्टर और केबल दिया गया है। एडेप्टर हम लोग पास जो आ जा रहा है वो आ रहा है 10 वाट का, और केबल हम लोग को टाइप सी केबल दिया गया है। इस एडेप्टर और केबल से आप लोग को इसको चार्ज करना है। उसके बाद आप लोग को यूजर मैनुअल मिल जा रहा है जिसमें आप लोग सारे डिटेल्स वगैरह लिखा गया है। हालांकि मैं इस वीडियो में आप लोग सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग यूजर मैनुअल पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और आप लोग एयरटेल का पोस्टपेड सिम मिल जा रहा है जिसको आप लोग इसके अंदर लगाना पड़ेगा, जो कि आप लोग एजेंट सारा कुछ सेट करके देके जाएंगे। तो इस टाइप का आप लोग बॉक्स मिल रहा है जिसमें आप लोग सारा कुछ दिया गया है। तो इस बॉक्स को हम लोग रखते हैं साइड में और चलते अपने स्वाइप मशीन के ऊपर। तो स्वाइप मशीन को हम लोग सबसे पहले ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे आप लोग पावर बटन दिया गया है जिसको होल्ड करके रखना है और ये ऑन होगा। तो इस साइड में आप लोग देखते हैं, आप लोग पावर बटन मिल जा रहा है, उसके बाद आप लोग वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, फिर आप लोग टाइप सी पोर्ट मिल जा रहा है, और नीचे में आप लोग कार्ड को डिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डिप करने का जगह दे दिया गया है। और यदि आप लोग को स्वाइप करना है तो इस साइड से आप लोग यहाँ पे स्वाइप कर सकते हैं। ऊपर में आप लोग टैप एंड पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग को स्लिप निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग स्लिप का कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको आप ऐसे करके ओपन कर सकते हैं, और जब आप लोग स्लिप खत्म हो जाएगा तो आप लोग ऐसे करके यहाँ पे नया स्लिप डाल के प्रिंट मार सकते हैं। तो आप लोग जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग नया स्लिप डालना पड़ेगा। इस टाइप से आप लोग इसको बंद भी कर सकते हैं। जब बंद करिएगा तो हल्का सा स्लिप बाहर निकाल के उसके बाद आप लोग इसको बंद कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप लोग यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया गया है। पीछे की तरफ आप लोग कैमरा मिल जा रहा है, LED फ्लैश मिल जा रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक बैक साइड में कवर दिया गया है जिसको आप लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिम लगाया गया है और बैटरी लगाया गया है। तो इसको ना ही खोलिए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि यदि सिम या बैटरी हिल वगैरह जाता है तो आप लोग यहाँ पे एरर आ सकता है। तो इस कंपार्टमेंट को आप लोग खोलने का जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों को इस टाइप का भारत पे का स्वाइप मशीन मिल जा रहा है, जो कि आप लोग पीछे से आप लोग कुछ इस टाइप का लुक मिल जा रहा है, और सामने से आप लोग कुछ इस टाइप का लुक मिल रहा है। जैसे ही ऑन होगा तो ये भारत पे का ऐप के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आप लोग कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग जो भी अमाउंट चाहिए वो आप लोग टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे भारत QR का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यदि आप लोग QR कोड में पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं कार्ड में ही अमाउंट टाइप करके कलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप लोग बता रहा है कि आप लोग स्वाइप कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं या टैप कर सकते हैं अपने कार्ड को। यदि आप लोग टैप या इंसर्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे स्कैन QR पे क्लिक करके इसी ट्रांजेक्शन को आप लोग UPI ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग को एक QR कोड आ जाएगा जिसको आप लोग कस्टमर को दिखाना है, वो स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर सकता है। तो आप लोग कार्ड से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और QR कोड से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ऊपर में जो 3 लाइन दिया गया उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट समरी आ जा रहा है, जहाँ पे आप लोग क्लिक करके जितना भी आप लोग को कलेक्शन हुआ है डेली वीकली मंथली वो सब आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिल जा रहा है, जहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन दिखाएगा, स्वाइप से कितना पेमेंट रिसीव किए हैं, QR से कितना रिसीव किए हैं वो इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग बाकी सारा इन्फॉर्मेशन सब आप लोगों को दिख जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग बेसिक सा ऐप है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग होम पेज में ही आप लोग सारा पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल सा आप लोग पेमेंट ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से एक आप लोग को डेमो दिखा देता हूँ। आप लोग मिनिमम जो इसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं वो 5 रुपीज़ का कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 रुपीज़ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं कलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। कलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं कार्ड इंसर्ट कर दे रहा हूँ। मैं रुपए डेबिट कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रुपए डेबिट कार्ड में कोई भी चार्जेस नहीं है, इसलिए मैं ट्रांजेक्शन के लिए यही कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। बाकी कार्ड यूज़ करूंगा तो चार्जेस कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं डोमेस्टिक कार्ड है या इंटरनेशनल कार्ड है, तो मैं डोमेस्टिक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो मर्चेंट कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, कस्टमर कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, या नया ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग होम पेज में जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मर्चेंट कॉपी प्रिंट करता हूँ।
तो इस टाइप से आप लोग देख रहे हैं प्रिंट आ गया है। फिर आप लोग कस्टमर कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट आ जाता है। आप लोग कोई भी समझिए मर्चेंट कॉपी आप लोग नहीं रखना चाहते, सिर्फ कस्टमर कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारा स्वाइप मशीन में क्या होता है कि पहले आप लोग मर्चेंट कॉपी निकलेगा, उसके बाद आप लोग कस्टमर कॉपी निकलेगा। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिल जा रहा है, जो कॉपी आप लोग चाहिए वो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। उसके बाद आप लोग नया ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। न्यू पे आप लोग क्लिक करके आप लोग फिर से अमाउंट टाइप कर सकते हैं। मैं इस बार QR कोड को यूज़ करता हूँ, भारत QR कोड पे सेलेक्ट करके मैं फिर से 5 टाइप करके कलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं 5 टाइप करके कलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक यूनिक QR कोड आ जाएगा, जिसको आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं से भी आप लोग स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग बैंक से पेमेंट कीजिएगा, यदि आप लोग रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तभी भी आप लोग इसमें चार्जेस कटते हैं। इस टाइप का आप लोग QR कोड मिल जाएगा जिससे आप लोग सारा पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बाकी आप लोग होम पेज में जाइएगा तो कुछ इस टाइप का आप लोग होम पेज मिल जा रहा है, जहाँ पर आप लोग एक कैमरा मिल जा रहा है। कैमरा को यूज़ करके आप लोग कुछ पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सेल्फी कैमरा भी मिल जा रहा है और मेन कैमरा भी मिल जा रहा है। तो दोनों कैमरा आप लोग दिया गया है, सामने की तरफ भी आप लोग छोटा सा कैमरा है तो यहाँ पे आप लोग सेल्फी कैमरा भी मिल जा रहा है और मेन कैमरा भी मिल रहा है। जो कैमरा यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी आप लोग इमेज क्लिक करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो आप लोग गैलरी में सेव हो जाता है, वो आप लोग गैलरी में जाके कभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं और इमेज सारा आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। सेटिंग में आप लोगों को वाईफाई सेटिंग मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं करता है वहाँ पे आप लोग वाईफाई को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ से आप लोग स्लाइड कीजिएगा तो काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जा रहा है। मेन यहाँ पे आप लोग एक टॉर्च मिल जा रहा है जिसको आप लोग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग जो LED लाइट है वो जल जाएगा तो टॉर्च के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आप लोग एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी छोटा मोटा दिया गया है जिसको आप लोग को जब जरूरत पड़ता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेन फीचर वही है, भारत पे स्वाइप आप लोगों को जो ऐप मिल जा रहा है वहाँ से आप लोग सारा पेमेंट रिसीव करना है। स्वाइप मशीन के बारे में सारा कुछ तो जान गए हैं, अब हम लोग जानते हैं चार्जेस कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली चार्जेस कितना है और MDR चार्जेस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग को रेंटल फी पेमेंट करना पड़ता है 250 रुपीज़ का और SMS और सॉफ्टवेयर चार्ज भी पेमेंट करना पड़ता है 150 रुपीज़ का। यानी कि आप लोग स्वाइप मशीन से एक पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए, दो पेमेंट एक्सेप्ट कीजिए या कुछ भी आप लोग एक्सेप्ट मत कीजिए, आप लोगों को मंथली चार्जेस जाएगा 400 रुपीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसमें आप लोग एक फिक्स मंथली चार्जेस है जो कि है 400 रुपीज़ का, रेंटल है और SMS और सॉफ्टवेयर चार्जेस हैं। और यहाँ पे MDR की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग ट्रांजेक्शन फी है, डेबिट कार्ड यदि आप लोग रुपये यूज़ करते हैं तो आप लोग 0 MDR लगने वाला है यानी कि फ्री होने वाला है। अदर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड को यूज़ करते हैं तो 0.75% का आप लोग को MDR चार्ज लगने वाला है। और यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो आप लोग को 1.25% का चार्जेस लगने वाला है। इंटरनेशनल कार्ड के लिए आप लोग चार्जेस लगेगा, कॉमर्शियल कार्ड के लिए भी 2.3% का चार्जेस लगेगा और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लिए भी आप लोग 2.3% का चार्जेस लगेगा। ये जो सारा चार्जेस लिखा गया है उस पर आप लोग को 18% का GST भी लगेगा। यानी कि ओवरऑल जो इसका MDR चार्जेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे आप देखते हैं इतना सारा चार्जेस है उस पर प्लस आप लोग को 18% GST भी लगने वाला है। तो ओवरऑल जो आप लोग चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इस मशीन को लेने का वन टाइम कॉस्ट है 4000 रुपीज़। मुझे थोड़ा डिस्काउंट के बाद लगा है क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे कोड भी यूज़ किया हूँ और मैं जो पुराना मशीन था उसको भी मैं रिप्लेस करवाया हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला है। जनरली आप लोग कुछ डिस्काउंट नहीं लेते तो आप लोग को 4000 रुपीज़ चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा, ये वन टाइम फी है। तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप का आप लोग चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है। यदि आप लोग इस भारत पे स्वाइप मशीन को लेने का सोच रहे हैं तो आप लोग एक कूपन कोड डाल दीजिएगा CRI1000 तो आप लोग 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। वन टाइम जो फी है 4000 रुपीज़ का उसमें आप लोग को डिस्काउंट हो जाएगा। तो मुझे ये कोड लगाने के बाद इफेक्टिवली जो वन टाइम फी लगा है वो लगा है 2360 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ का आप लोग डिस्काउंट हो जाएगा। और मैं पुराना स्वाइप मशीन रिटर्न किया हूँ तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है और इफेक्टिवली मुझे जो पेमेंट करना पड़ा है वो पड़ा है 2360 रुपीज़ का। इस टाइप का आप लोग चार्जेस लग सकता है। तो आप लोग मे बी 3000 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा क्योंकि आप लोग पुराना मशीन को रिटर्न नहीं कीजिएगा तो आप लोग 3000 रुपीज़ का चार्जेस लग सकता है। कोड यूज़ करना पड़ेगा CRI1000। तो ओवरऑल ये स्वाइप मशीन कैसा है? तो ओवरऑल ये स्वाइप मशीन मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया है क्योंकि इसमें जो रेंटल फी है 400 रुपीज़ का वो छोटे मोटे दुकानदार के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि आप लोग एक दो ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें आप लोग समझिए 500 या 600 रुपया कुछ आप लोग सेल करते हैं तो उसमें आप लोगों को मे बी 50 रुपया या 100 रुपया का प्रॉफिट होगा, उसके लिए आप लोग 400 रुपीज़ का रेंटल पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये
थोड़ा खराब फीचर हो जाता है क्योंकि रेंटल बहुत ज्यादा हाई है। यदि ये भारत पे स्वाइप मशीन जीरो रेंटल फी के साथ आता तो मैं इसको अच्छा बोलता, लेकिन इसमें आप लोग 400 रुपीज का रेंटल फी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आप लोग कुछ ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हैं फिर भी आप लोग 400 रुपीज हर महीना अकाउंट से कट जाएगा। और प्लस आप लोग जो MDR चार्ज है वो भी कम नहीं है, काफी अच्छा चार्जेस लग रहा है। आप लोगों को 0.75% का लग जा रहा है डेबिट कार्ड में, और क्रेडिट कार्ड में लग रहा है 1.25% का। प्लस उसमें आप लोग 18% GST भी ऐड होगा। ओवरऑल जो चार्जेस होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये स्वाइप मशीन उतना अच्छा नहीं है, इससे बेटर होगा कि आप लोग एक्सिस बैंक का स्वाइप मशीन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना के रखा हूं, जिसका लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक्सिस बैंक का आप लोग स्वाइप मशीन का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं। वो स्वाइप मशीन इससे बेटर स्वाइप मशीन है और उसमें आप लोग जो चार्जेस लग रहा है वो भी बहुत ज्यादा कम लग रहा है। हालांकि आप लोग ये जो चार्जेस है वो मेरे केस में 1.25% का लग रहा है और 0.75% का लग रहा है। आप लोग चाहें तो भारत पे से निगोशिएट करके MDR चार्जेस कमा भी सकते हैं और रेंटल फी आप लोग फ्री भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब चार्जेस क्या होता है जो आप लोग का एजेंट रहते हैं उनके हाथ में रहता है और कस्टमर टू कस्टमर बेसिस पे डिस्काउंट और ऑफर वगैरह देते रहते हैं। एक बार आप लोग यदि भारत पे से बात करके यदि आप लोग इस स्वाइप मशीन में कुछ डिस्काउंट करवा सकते हैं तो ये आप लोग स्वाइप मशीन यूजफुल हो सकता है, लेकिन मुझे जो टर्म्स एंड कंडीशन में मिला है उस हिसाब से ये स्वाइप मशीन उतना अच्छा नहीं है। तो ये आप लोग कस्टमर टू कस्टमर बेसिस पे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है, तो आप लोग एक बार चाहें तो आप लोग कस्टमर केयर में कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप लोग को कितना डिस्काउंट मिलेगा और कितना MDR चार्ज लगने वाला है, क्योंकि ये MDR चार्जेस हर एक कस्टमर के लिए फिक्स नहीं होता है। हालांकि मुझे जो एक्सिस बैंक का स्वाइप मशीन मिला है वो बेटर कंडीशन के साथ मिला है, जिसका मैं डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर एक्सिस बैंक का स्वाइप मशीन का वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आप लोगों को भारत पे स्वाइप मशीन और एक्सिस बैंक का स्वाइप मशीन का आप लोग कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।